She became the first Indian woman athlete to bag a silver medal in 20-kilometer walk event at the Asian Games. Meet Khushbir Kaur, who beat all odds to represent India in the 2016 Rio Olympics. मैं एक फैमिली में से फर्स्ट वुमेन नहीं, मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन हूँ जो कि ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया और एशियन गेम्स मेडलिस्ट हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स में. 86 में जो कि बॉयज़ का मेडल था, उसके बाद वुमेन्स का जो मेरा ही मेडल है एशियन गेम्स में, मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन हूँ जो कि मेडलिस्ट हूँ जहाँ ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है, और फैमिली में से तो हूँ ही. Khushbir Kaur's journey is not as hard as her compatriot Manish Singh Rawat's, but has a tale to tell of her testing times. मेरी फैमिली का काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम था कि इनकम कोई नहीं था. दैट्स वाई टू मच प्रॉब्लम, क्योंकि स्पोर्ट्स करना या फिर कुछ और चीज़ करना बहुत मुश्किल था, जो कि मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं और काफ़ी 16-17 ईयर हो गए आज एक्सपायर होंगे, मैं तब 5 ईयर की होंगी. उसके बाद स्पोर्ट्स करना या फिर कोई और चीज़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और मैं इतनी मोटी भी थी और मेरी मॉम का शौक था कि मैं स्पोर्ट्स करूँ, इसलिए मैं थोड़ा फिटनेस के लिए जाती थी. और यहाँ पे कोच थे, उनको पास भेज दिया था मॉम ने कि लाइक दैट स्पोर्ट्स करने के लिए, बट मॉम को भी ये बात नहीं पता था कि स्पोर्ट्स क्या है, बट उनको ये था कि मेरी बेटी ट्रैक सूट पहने और अच्छी रहे और अच्छी खेले, और इसी वजह से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया और मैं जो इंडियन वॉकिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और यूथ एशिया में मेडल आया मेरा, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला. For Khushbir Kaur, her mother, Jasveer Kaur, was the driving force who pushed her into becoming India's first ever medalist in women's race walk. A young Khushbir never showed any inclination for athletics till her older sister, Harjeet Kaur, opted for 3,000-meter event. Inspired by her and encouraged by her mother, Khushbir took to walking and became a state champion in the 3,000-meter race walk in 2007. जी देखो, मैं बहुत सारे बैकवर्ड गांव से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पे शॉर्ट्स पहनना तो बहुत ही बड़ी बात है कि लेडीज़ को, लड़की को बाहर निकालना और शॉर्ट्स पहनना बहुत बड़ी बात है. इसलिए मेरी मॉम ने सब कुछ सहन करने के बावजूद, मैंने तो सहन नहीं किया, मेरी मॉम ने बहुत सहन किया है, और मेरी फैमिली भी स्पोर्ट्स को पसंद नहीं करती, जैसे कि दादू चाचू कोई भी स्पोर्ट्स को पसंद नहीं करता था, और उसके बाद भी मेरी मॉम ने बाहर भेजा और अमृतसर सिटी में मुझे रख के स्पोर्ट्स कराया. मुझे लगता है कि जो कि थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे.